चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी बार बाइंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग के बारे में, ठीक है। तो बार बाइंडिंग जो शेड्यूल फुटिंग की अपन ने बात की थी, उसमें जो केस बन रहा था आपका, वो केस था कि आपके एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर आपकी बार्स लग रखी थी। ये देखो नीचे आपको ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से बार्स उसमें लगी हुई थी। अपन ने एक्स डायरेक्शन के अलोंग बार लगाई और वाई डायरेक्शन के अलोंग बार लगाई। वहां पे अपन ने ए और बी नेम दे रखा था, तो ए डायरेक्शन के अलोंग अपन ने बार प्रोवाइड की और बी डायरेक्शन के अंदर अलोंग अपन ने बार प्रोवाइड की, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे कॉलम के लेग्स भी इस तरह से ऐड होते हैं। अगर आप साइड विजिट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में बार्स आपके प्रोवाइड की गई है, वाई वाई डायरेक्शन के अंदर आपकी बार जो है वो प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे आपको कॉलम का लेग जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉलम का लेग वगैरह है वो कैसे देंगे, तो बार बाइंडिंग शेड्यूल जो कॉलम का बताऊंगा उसके बारे में इसके अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे। फुटिंग का ही अब एक टाइप और होता है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। फुटिंग का जो अभी अपन ने बात किया है वो था सिंगल मैश की बात की थी, यानी कि यहाँ पे आपका जो ग्रिड बन रहा था वो एक सिंगल ग्रिड बन रहा था, एक्स और वाई का मिला के एक सिंगल ग्रिड बन रहा था। ये देखो यहाँ पे वो ग्रिड इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, या फिर मैं बात करूंगा देखो यहाँ पे भी आपको एक ग्रिड दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे भी एक सिंगल लेयर के अंदर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे जो डायग्राम है ऊपर, यहाँ पे जो आपको जो ये डायग्राम देख रहे हो जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर भी प्रोवाइड किया गया है और नीचे भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है डबल मैश, ठीक है। डबल मैश का डिटेलिंग जो है वो किस तरह से दिया जाता है, उसकी ड्रॉइंग को अपने कैसे रीड करेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। जैसे अपन ने क्या किया था सिंगल मैश फुटिंग वाले फुटिंग के अंदर, क्या क्या था, इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट किया था, ठीक है, कटिंग लेंथ को कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ बार्स कैसे प्रोवाइड करनी है उसको कैलकुलेट किया था। वो डबल मैश में कैसे करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा कि डबल मैच फुटिंग मेनली होता क्या है और उसकी ड्राइंग को आपको किस तरह से रीड करना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर आपने जो रीड किया जिसमें एक ही जाल था, ठीक है, नॉर्मली आप साइड पे सुनते हो कि एक जाल वाली फुटिंग या दो जाल वाली फुटिंग, तो यहाँ पे एक जाल वाला जो फुटिंग होती है सिंगल मैच फुटिंग उसको बोलते हैं, जिसके बारे में आपने लास्ट टाइम बात किया था, ठीक है। अब डबल साइड वाली जो फुटिंग होगी उसके अंदर किस तरह से होगा, इस तरह से आपको देखो दिखाई देगा कुछ। इसके अंदर तो आपने क्या किया, ए डायरेक्शन के अलोंग प्रोवाइड कर दी, बी डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दी, ठीक है, ओनली बॉटम में प्रोवाइड की, ठीक है। अब आपको टॉप में भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ए डायरेक्शन के अलोंग और बी डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। तो किस तरह से आपको उसका कैलकुलेशन करना होगा मैं बताता हूँ, किस तरह से आपको जो ड्रॉइंग मिलेगी, ड्रॉइंग में किस तरह से डिटेलिंग होगी, ड्रॉइंग पे चलते हैं। ये देखिए ये आपका है डबल मैश की ड्रॉइंग, ठीक है। इसको एक बार मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, आपको अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए सारा। ये आपकी जो ड्राइंग आ गई, ठीक है, पहले आपने जो फुटिंग का बीबीएस देखा उसके अंदर आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर बार लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या नेम्स किस तरह से दिए, S1, S2, S3, S4, इस तरह से आपके नेम्स दे रखे हैं, ठीक है। आपने पहले जो क्रॉस सेक्शन बनाया था उसके अंदर क्या था, यहाँ पे आपका बार चल रहा था ए डायरेक्शन के अलोंग और यहाँ बी डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओनली सिंगल मैश था नीचे, यहाँ पे देखो आपका ऊपर भी मैश लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डबल मैश। अब इसकी डिटेलिंग को किस तरह से रीड करना है, सबसे पहले देखो आपका ए और बी यानी कि 5000 बाय 4000 का फुटिंग है, ठीक है। इसका साइज देखो कितना बड़ा है, पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था जब अपने लास्ट वो कर रहे थे फुटिंग को सिंगल मैश का, उसके अंदर क्या एग्जांपल लिया था, 1800 बाय 1800 का मैंने लिया था एमएम के अंदर। अब यह है 5000 बाय 4000 एमएम, आप खुद सोचो कि इस फुटिंग का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका साइज है इस फुटिंग का, ए और बी की जो वैल्यू है वो है 5000 और 4000 एमएम, ओके। अब यहाँ पे आया है, यहाँ पे टी कौन सी वैल्यू है, 750 कौन सी वैल्यू है, ये देखो ये वाली आपकी जो टोटल डेप्थ है ये आपकी है 750, ठीक है। जिस रेक्टेंगल पोर्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करना है इसको डबल मैश फुटिंग को, इसकी जो डेप्थ है वो है टोटल कितनी, 750 एमएम, जिसके अंदर से आप कवर वगैरह माइनस करके इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करते हो। उसके बाद रेनफोर्समेंट एट बॉटम, अब अपने को बॉटम के अंदर कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है S1 Y16, ठीक है, Y16 एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, 150 का सेंटर टू सेंटर जो है गैप है इसके अंदर, ठीक है। 16 mm की जो है बार्स यहाँ प्रोवाइड की गई है बॉटम के अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप देखो S1 किसको शो कर रखा है, इसको जो सबसे नीचे वाली जो बार है उसको S1 शो कर रखा है, उससे ऊपर S2 शो कर रखा है, ठीक है। S2 के अंदर भी सेम है 16 का जो आपका बार कट आया है 16 एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। एट द रेट का मतलब क्या हो गया कि 150 mm जो है गैप है सेंटर टू सेंटर आपका स्पेसिंग है,
यस टू हो गया। उसके बाद एस थ्री और एस फोर की बात करता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे इसके अंदर टॉप के अंदर भी रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देखो किस तरह से इसको प्रोवाइड किया गया, यहाँ से देखो ये स्टार्ट हो रही है और इस तरह से ये जा रही है, इस तरह से ये जा रही है, ठीक है। तो अपने को इसको भी टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, इफेक्टिव लेंथ को प्लस इसको ऐड करके, और इसको सबको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा, आज सिर्फ डबल मैच फुटिंग के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है कि ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। इस ड्राइंग को अपने को पूरा समझना है, इस तरह की ड्राइंग आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से मिलेगी, तो उसको आपको कैसे रीड करना और कैसे फिर इसका बार बॉडी शेड्यूल निकालना है। उसके बाद देखो यहाँ पे रेन्फोर्समेंट एट टॉप एस थ्री और एस फोर, एस थ्री और एस फोर के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 12 mm की बार है एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये देखो ये ऊपर वाली जो आपकी है ये 12 mm की बार है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये एस थ्री है आपका सबसे ऊपर वाली बार, और ये वाली जो है वो एस फोर है, ठीक है। एक बार का आपको जो है वो साइड व्यू दिखाई देगा, इसलिए आपको यहाँ पे बार जिस तरह से दिखाई देगी, और एक बार जो है क्योंकि एक बार एक अलोंग डली होगी, एक बार बी अलोंग डली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो बार है वो कौन सी है, एस थ्री है, उसका डिटेलिंग ये दे रखा है, एस फोर का डिटेलिंग ये दे रखा है। उसके बाद इसके अलावा इसमें एक चीज और प्रोवाइड कर रखी है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, साइड फेस एस फाइव, इसके अंदर दे रखा है टू नंबर वाई 16, यानी कि 16 mm की एक बार देखो यहाँ पे भी प्रोवाइड की गई है, इसको नेम दे रखा है एस फाइव, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया एस फाइव, ठीक है। ये बार क्यों प्रोवाइड की गई है, अब यहाँ पे अगर आपकी ये जो बार लगेगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको एक बार आपको बांधना पड़ेगा, ठीक है। इसको सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ आपको कुछ चाहिए, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बार यहाँ पे लगी हुई होगी 16 mm की, वो इस तरह से यहाँ सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करेंगे, जो ऊपर वाली जो बार आपकी होगी, ऊपर वाला जो मैश होगा आपका, उसको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ये वाली आपकी जो बार आएगी, जिसको अपने बोल रहे हैं एस फाइव, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा जो इसका डिटेलिंग है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि डबल मैश अपन ने किस तरह से प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये आपका ए साइड हो गया फुटिंग का, बी साइड हो गया, इसकी वैल्यूज गिवन है, ये आपका 750 mm, ये इसकी टोटल डेप्थ हो जाएगी आपकी, ओके। उसके बाद इसके अंदर एक चीज और दे रखी है, देखो यहाँ पे आपको कॉलम का जो लैग प्रोवाइड किया गया है 300, ठीक है। स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को क्या लेना है, साइड कंडीशंस के हिसाब से कि अपने को क्या लेना है, तो मिनिमम अपने को 300 तो लैग इसके अंदर लेना ही पड़ेगा। बाकी कॉलम वाली क्लास के अंदर जब बात करेंगे, बार बैंडिंग शेड्यूल जब कॉलम का पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मैं और डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ये अपन लैग का जो है वैल्यू कितना लेते हैं। मिनिमम आपको 300 तो इसमें लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सब आपको ड्राइंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, बाकी सब समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस सर, ठीक है। तो बाकी चीजों को मैं लास्ट क्लास के अंदर आपको थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताऊंगा, जब सारी चीजों को अपने कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई है S1, S2, S3, S4, S5, इनको सबको अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनका सबका कटिंग लेंथ अपने को बनाना पड़ेगा। S5 का कटिंग लेंथ जो है वो आपको स्पेशल समझना पड़ेगा कि किस तरह से मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन तो लास्ट टाइम वाले फुटिंग जैसे ही अपने करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन yes. वाला जो पार्ट है, इफेक्टिव लेंथ है, कटिंग लेंथ है, नंबर ऑफ बार्स कितनी होगी, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं अपने। अभी आप डबल मैच फुटिंग जो है होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और सर्च कीजिए और पढ़िए, ठीक है। और डायग्राम्स आप गूगल पे भी देख सकते हो, यहाँ से जो मैंने डायग्राम्स दिखाया आपको गूगल से ही लेके यहाँ से दिखाया है मैंने, इस तरह से डबल मैच फुटिंग लगी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद आपको किस तरह की ड्राइंग मिलेगी, उस ड्राइंग को कैसे रीड करना है, ये ड्राइंग बनेगा आपको बता दी, इसको किस तरह से रीड आपको करना है। बाकी कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर करते हैं, वरना वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।